हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि फ्रेंड, आप सबको पता होगा कि हम दीपावली में दियों का यूज करते हैं, मिट्टी वाले दियों का। तो फ्रेंड, हमारे पास ही इसी तरह से पड़े रहते हैं, हम इन्हें फेंक भी नहीं सकते हैं फ्रेंड। तो हम इसे इस तरह से यूज में ला सकते हैं दियों को। जैसे कि हमारे पास एक ग्रेटर रहता है, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, धार कम हो जाती है। जैसे कि हमारे पास कुछ चाकू रहती हैं, वो उसकी भी धार कम हो जाती हैं। तो यहाँ पे लेना है हमें एक दिया, और दिया को ये देखिए, हमें हल्के हल्के हाथों से इसके ऊपर घिसना है। तो इससे फ्रेंड इसकी धार तेज हो जाएगी, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है कि ग्रेटर की धार को तेज कर सकते हैं, ये देखिए। और आप ज़्यादा दिन तक यूज कर पाओगे ग्रेटर को। इस तरह से आपको दिए को अच्छे से घिसते जाना है, ये देखिए फ्रेंड। तो इसकी धार बहुत ही अच्छी तरीके से तेज हो गई है। तो इस तरीके से आप दियों को इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ढेर सारे पैसों की बचत भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हमारा दूसरा आइडिया होने वाला है इसी तरह से मिट्टी के दियों को लेकर के, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने इतने सारे दिए लिए हैं, तो हम इसका एक एक करके सारे दियों का यूज करेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड, हमारे पास जो ये बर्तन धुलने वाला साबुन रहता है, तो ये देखिए इस तरह से ये गल जाता है। तो आपको क्या करना है, एक दिए में आपको साबुन डालना है कुछ इस तरीके से। अगर आपके पास डिटर्जेंट पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास साबुन था और ये गल गया था, तो मैं इसी को इस्तेमाल में ले लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने एक चम्मच की सहायता से इस दिए में साबुन को अच्छे से भर दिया है, ये देख सकते हैं फ्रेंड। और तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से मुझे पता चलता है कि कितने लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने साबुन को दिए में भर दिया है। अब इस दिए को आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है, जैसे कि फ्रेंड, कभी हम एक कढ़ाई या तवे में कुछ बनाते हैं, पूड़ियाँ या पराठे, तो वो बहुत ही बुरी तरीके से जल जाते हैं और हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है उसे साफ करने में। तो दोस्तों, आप इस तरह के दिए से जो है कि बर्तन को साफ कर सकते हैं, ये देखिए। इससे तवा जो है कि एकदम चमक जाएगा नए की तरह, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है इसे साफ करने में। तो आप इस तरह से तवा या लोहे की कढ़ाई को साफ कर सकते हैं। आपको 2-3 मिनट तक अच्छे से घिसना है दिए को तवे के ऊपर। तो फ्रेंड, ये देखिए, तवा जो है कि पहले से ज़्यादा अच्छे से साफ हो चुका है। तो नेक्स्ट आइडिया हमारा होने वाला है फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे लेना है एक दिया, और इस दिए को किसी पत्थर की सहायता से अच्छे से फोड़ लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे दिए को फोड़ लिया है। इसके बाद हमें इस दिए को बारीक अच्छे से पीसना है, ये देखिए। तो आप धीरे धीरे करके इसे पीसोगे तो ये आराम से पिस जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे पीस लेती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए, दिया को पीस करके तैयार कर लिया है। अब इसका आपको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो मैंने एक दिए में इस पाउडर को निकाल लिया है, ये देखिए। इसके बाद ये देखिए, सब्जी बनाने की कढ़ाई है और इसमें बहुत ऑयल लगा हुआ है, तो मैं इसे साफ करूँगी इस मिट्टी से। ये देखिए, आपको थोड़ी सी मिट्टी कढ़ाई में डालनी है। तो फ्रेंड, पिछले ज़माने में आपने देखा होगा कि जो हमारी दादी या नानी रहती थी, तो वो जो ईंट होती थी मकान बनाने वाली, तो वो फोड़ करके और उसी से वो कढ़ाई साफ करती थी। तो मैंने यहाँ पे देखी, दिया को अच्छे से फोड़ करके कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा आप साबुन लगा करके अच्छे से मांज लीजिएगा, तो आपकी कढ़ाई जो है कि 2 मिनट में साफ़ हो जाएगी और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और आप इस तरह से टाइम की भी बचत कर पाओगी। कम से कम टाइम में जो है कि कढ़ाई साफ़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप इस
दही को पीस करके एक बार किसी डिब्बे में रख लीजिएगा और इसी से आप कढ़ाई या तवे को मान सकते हैं। देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो गई है कढ़ाई। आप देख सकते हैं फ्रेंड पहले कैसी थी अब कैसी है। तो नेक्स्ट आइडिया होने वाला हमारा दियों को लेकर के, जैसे कि फ्रेंड कभी हम खाना बनाते हैं गैस पर और क्या होता है गैस पीछे की साइड खिसकता है बार बार, ये देखिए कुछ इस तरह से खाना बनाते टाइम। तो हमें क्या करना है, गैस के नीचे इस तरह से दिया लगा देना है चारों साइड, ये देखिए, जिससे कि खाना बनाते टाइम गैस नहीं खिसकेगा और आप आराम से खाना बना सकोगे, ये देख सकते हैं फ्रेंड। तो आप इस तरह से भी दियों को यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड अभी बिल्कुल भी खिसक नहीं रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट आइडिया है हमारा, इस तरह से जैसे दियों की बातियाँ ये बच जाती हैं, ठीक तरह से जलती नहीं हैं, तो आपको क्या करना है, एक दिए में सारी बातियों को इकट्ठा कर लेना है। इसके बाद आपको ये एक दो तेज पत्ता तोड़ करके डालना है। इसके बाद अगर आपके पास कपूर हो तो कपूर भी तोड़ करके आप डाल सकते हैं और इसके बाद आप इसे जला दीजिएगा ठीक तरह से, ये देखिए। तो फ्रेंड आपको इसे सारे घर में दिखा देना है जिससे कि जितनी भी घर में नेगेटिविटी होगी वो सारी हट जाएगी और जितने भी आपके घर में मच्छर मक्खियां होगी वो सारी भाग जाएंगी। तो इस तरह से आप इन बातियों को यूज में ला सकते हैं। तो जहाँ जहाँ भी मच्छर मक्खियाँ हों तो आप वहीं पर रख दीजिएगा।